अब छाछ को सोच कहाँ कर है। एक राजकुमार था, उसके 5-7 मित्र घोड़ों पर घूम रहे थे। वहां बहुत सी गुजर स्त्रियां दूध छाछ दही आदि की बिक्री करने को जा रही थी। राजकुमार को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि वे दूध दही लूटा करते थे, तो हम भी आज वैसा ही करें, एक तमाशा कर लें, फिर उनको दाम दे देंगे। राजकुमार और उसके साथियों ने उनके मटके फोड़ दिए। गुजरियां बेचारी रोने लगी। उनमें से एक गुजरी ऐसी थी जिसका मटका फूट गया, छाछ बिखर गई, फिर भी वह हंस रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि तू रोई नहीं, क्या बात है? उसने कहा कि महाराज, मेरी बात बहुत लंबी है, मैं छाछ गिरने का क्या शोक करूं। राजकुमार ने उसे कहा कि अपनी बात सुनाओ। वह कहने लगी, मैं अमुक शहर के एक सेठ की पत्नी थी और मेरी गोद में एक बालक था। वे सेठ कमाने के लिए दूसरे देश में चले गए। वहाँ के राजा की नीयत खराब थी, मेरी छोटी अवस्था थी और सुंदर रूप था। राजा ने मेरे पर खराब दृष्टि कर ली और कहा कि अमुक दिन तेरे को आकर मिलना ही पड़ेगा, तुम कब आओगी जवाब दो। मैंने कहा कि अभी ठहरो। मैंने अपने पति को पत्र भेजा कि जल्दी आओ, मेरे पर ऐसी आफत आई है। पति आ गया, उससे सारी बात कही और आपस में सलाह की कि क्या किया जाए। सेठ ने कहा, तुम राजा को समय दे दो। मैंने राजा के पास समाचार भेज दिया कि आप शहर के बाहर अमुक जगह रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान के मील भर नजदीक में कोई अन्य व्यक्ति न रहे। राजा ने स्वीकार कर लिया। हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए, कारण कि यहाँ टिक नहीं सकेंगे। मैं रात्रि में वहाँ तलवार लेकर गई, पति को एक टूटे फूटे मकान खंडर में छिपने के लिए कह दिया। जब राजा आया तो मैंने तलवार से उसको मार दिया और भागकर पति के पास गई। वहां जाने पर मैंने पति को मरा हुआ पाया, उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। फिर तो मैं अकेली वहां से भागी कि अगर पकड़ी गई तो लोग मुझे मार देंगे। लड़का पीछे छूट गया, आगे भागते हुए जंगल आ गया तो वहां डाकू मिल गए। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे सब गहने छीन लिए और वैश्य के घर ले जाकर बिक्री कर दिया। अब मैं वहां रहने लगी। उधर दूसरा राजा बैठा तो उसने मेरे लड़के को पालकर बड़ा किया। मेरा लड़का वहीं राज्य में नौकरी करने लगा। इधर वैश्याओं के संग के प्रभाव से मैं भी वैश्या हो गई। एक बार वह लड़का मेरे यहाँ आया और रात भर रहा। मुझे वहम हो गया कि यह कौन है। सुबह होते ही पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया, तब पता लगा कि अरे, यह तो मेरा ही बेटा है। मुझे बड़ी गलानी, बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप किसी से हो जाए तो क्या करे। उन्होंने बताया कि चिता जलाकर आग में बैठ जाए। विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो पीछे से गंगा जी में फूल कौन डालेगा, इसलिए गंगा के किनारे लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गई और आग लगा दी। लकड़ियां जलने लगी, इतने में पीछे से बाढ़ आ गई, आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठ बैठ एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव में गुजर बसते थे, अब वहां उनकी चीज बिक्री करके काम चलाती हूँ। आज छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई तो अब इसकी चिंता क्या करूं। हतवान रिपम पतिम वेक्ष्य भुजंबग दष्टम देशांतरे विधि विषाद गणिकाम चयाता पुत्रम प्रति संधिगम में चिंता प्रविष्टा शोचामी गोप गृहिणी कथमद्य तक्रम ड्रिप मार चली अपने पिव पै पिव भुजंग डसियो जो गयो मर है मग चोर मिले उन लूट लई पुनी बेच दई गनी का घर है। सुत सेज रमी चिता पै चढ़ी जल खूब बहियो सरिता तर है महाराज कुमार भई गुजरी अब छाछ को सोच कहाँ कर है। जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है, अब थोड़े से नुकसान में क्या चिंता करूं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं और बीतती रहती हैं। अब छाछ गिर गई तो क्या हो गया, हमारे ना जाने कितने जन्म हुए हैं और उनमें क्या क्या दशा हुई है। उनमें भी बेटा मर गया, कभी पति मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी धन आया, कभी धन चला गया, ये सब कई बार मिले और कई बार बिछड़े। हवा जलती है तो कहाँ कहाँ कफूस आकर इकट्ठा हो जाता है और दूसरे झोंके में अलग हो जाता है। इसमें नई बात क्या हो गई, संसार में सब आने जाने वाले हैं, इनके लिए क्या चिंता करें।